लाबोने। 1986 में रिलीज हुई ये फिल्म, अंग्रेजी भाषा में का नाम है द करप्शन। साल्वते सांप्रे द्वारा निर्देशित है ये फिल्म। फ्रेंच भाषा में बोने का मतलब होता है नौकरानी, मेड, और ये मुआ जाना जाता है इसी तरह की उत्तेजित फिल्मों को बनाने के लिए। इसने 1973 में एक फिल्म बनाई थी मलीजा, जो काफी मशहूर हुई थी अपने दौर में 1973 में। मलीजा की सफलता ने इसको इसी तरह की फिल्में बनाने में पारंगत हासिल कर ली। फिल्मों पर नजर रखने वाली वेबसाइट IMDb के अनुसार इसकी रेटिंग 5.5 सितारा है 10 में। ये कहानी है एक खूबसूरत शादीशुदा महिला की, जिसके पति के पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। वो अपने ही काम में इतना मशरूफ रहता है कि अपनी बीवी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही उसे कोई वक्त देता है। इस महिला का नाम एना होता है और ये आस्ते आस्ते अपनी नौकरानी एंजेला की तरफ आकर्षित हो जाती है। फिल्म की शुरुआत एक चर्च के सीन से होती है, जहां एना प्रार्थना कर रही होती है। गिरजाघर से एना जब अपने घर को लौटती है तो अपनी नौकरानी एंजेला को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है, पर वह उसे नजरअंदाज कर अपनी सास के पास पहुंच जाती है। एना की सास ने खाट पकड़ रखी होती है और वो एना को तंग करने के सिवा कुछ नहीं देती, और इस जवान खूबसूरत महिला के लिए उसकी सास एक सरदर्द से ज्यादा कुछ नहीं होती। हालांकि वो अपनी सास की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, फिर भी उसके अंदर एक खलीश होती है अपने पति से प्यार पाने की, जो उसे नहीं मिलता है। रात को डिनर पूरा करने के बाद एना का पति बेफिजूल की बैठकों के लिए निकल जाता है। इस बात का बुरा एना को और उसकी सास दोनों को लगता है, और एना की सास उसे ताना देती है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है। इस वजह से इसके पति का मन घर पे नहीं लगता, हकीकत में जो कि सही नहीं है। असल में इसका पति बड़ा ही उदासीन और मसरूफ किस्म का इंसान होता है। एंजेला एना की मन की बातों को बखूबी भांप जाती है और उसे सुकून पहुंचाने के लिए उसके बाल बनाती है तथा उसे एक स्नान देती है। उसके बाद उसके बदन को टॉवल से पोंछती है, और कुछ इस तरह एंजेला एना के काफी करीब आने की कोशिश करती है, जो कि वो कामयाब भी हो जाती है। अब एना छोटी छोटी बातों में एंजेला का मुंह ताका करती है। धीमे धीमे वो एंजेला के वश में आ जाती है। अगले दिन एना और एंजेला बाजार जाती है और एंजेला वहाँ एक फूलों का गुलदस्ता खरीदती है और बताती है ये फूल उसे अपने गाँव की याद दिलाते हैं। एंजेला एना को अपने गाँव ले जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है, जो एंजेला मना कर देती है क्योंकि उसकी सास बीमार है और उसकी देखभाल के लिए उसका हाजिर रहना जरूरी है। इस बात पर एना उसे तरकीब सुझाती है कि उसे उसकी सास को अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए और कुछ आराम पाना चाहिए, और उसे अपने आप के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। एंजेला की बातों में काफी सुकून था और वो उसकी बातों में आ जाती है और अपनी सास को अस्पताल में भर्ती कर वैसे गाँव पहुँच जाती है। यहाँ का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था, और डिनर के बाद एंजेला की माँ एना से पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ये बात सुनकर एंजेला काफी उदास हो जाती है। एंजेला एना को अपने साथ तालाब में ले जाती है और पूछती है कि क्या उसने कभी अपने आप को देखा है, जिस पर एना एंजेला को मना करती है और कहती है कि उसकी शिक्षा दीक्षा एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई है, जहाँ पर ये सब करना मना है। पर एंजेला कहाँ मानने वाली थी, बड़ी ही चालाकी से वो एना को अपने साथ तालाब के अंदर ले जाती है और उसे नंग कर अपने आप को देखने के लिए कहती है। इसके बाद एंजेला एना को समझाती है कि हस्तमैथुन कैसे किया जाता है, और उसे हस्तमैथुन कराने में भी कामयाब हो जाती है, और हस्तमैथुन की क्रिया पूर्ण होने पर एना को भी काफी सुकून और राहत महसूस होती है। एक दिन एना एंजेला को अपने पति के वस्त्रों में से पैसे चुराते देख लेती है, किंतु कुछ नहीं कहती, और गायब हुए पैसे के पूछे जाने पर अपने पति से झूठ कह देती है कि वो पैसे उसने निकाले थे अपनी बहन को कोई भेंट देने के लिए। एंजेला धीरे धीरे अपनी हदों को पार करने लगती है, और वे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं होती। मसलन कि जैसे सास को दवा देना होता है तो भी उसका कोई ध्यान नहीं रहता, और एना को ही ये सब चीजों की देखभाल करनी पड़ती है। एंजेला का एक बॉयफ्रेंड होता है कार्लो, जो अक्सर ही उसे मिलने आया करता है, और इस बार कुछ सिगरेट्स के साथ आता है। एना एंजेला को कार्लोस के साथ देख लेती है, जो कि उसके लिए नई नई किस्म की सिगरेट्स लाया था, और वो दोनों खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर एना के मन में जलन होने लगती है, और जब उसकी सास पूछती है कि ये लड़का कौन है जो एंजेला से मिलने आया है, तो एना बताती है कि ये उसका कोई दूर का रिश्तेदार है। एना की सास विटामिन लेने से मना करती है, क्योंकि उसका मानना था ज्यादा विटामिन लेने से गैस होती है और उससे बदबू हो जाती है। अब कार्लोस और एंजेला दोनों इंटीमेट होते हैं, और एना ये सब देख रही होती है क्योंकि एना का पति उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। अब कार्लोस, एंजेला और एना ये तीनों जन डिस्को पार्टी में जाते हैं और इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो एना के पीछे पड़ जाता है, उसे किस करता है और बदतमीजी करना चालू
कर देता है। ये सब ऐना बर्दाश्त नहीं करती है और उस आदमी को धक्का दे के वो डिस्को से निकल जाती है। तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, उसके साथ इंटीमेट होने के लिए प्रपोज करता है और ऐना मना कर देती है। इसके बाद वो अपने पति को फोन करती है, पर उसका पति कहता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। इससे वो झल्ला उठती है और उस आदमी के पास जाती है और खुद ही कहती है कि उसे इंटीमेट होना है। अब वो गाड़ी में कोशिश करते हैं और वो दोनों मिलकर गाड़ी में इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद ऐना अपने घर आके बाथरूम में शावर लेती है और अपने आप को साफ करती है। और तभी एंजेला आ जाती है और कहती है कि तुम डिस्को से इस कदर चली आई, मेरी तो बेइज्जती हो गई। इस पर ऐना एंजेला को एक झापड़ जद कर देती है। झापड़ खा लेने के बाद एंजेला रो के वहाँ से चली जाती है और अगले दिन ऐना अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है और अपनी समस्या के बारे में उससे अवगत कराती है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हारे पास तो सास है और पति है, तुम उसे जरा समय दो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। ऐना इस बात को समझती है और अपने घर को लौट जाती है। रात को घर पर क्लाइंट के साथ डिनर होता है जहाँ पे एंजेला बदतमीजी करती है। इसके बाद ऐना उसे अगले दिन से काम में आने से मना कर देती है, किंतु कुछ देर बाद दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो लोग हाइड एंड सीख खेलने लगते हैं, जिसमें ऐना की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और एंजेला उसको चतुराई से उसकी सास के रूम तक ले आता। पर ऐना गलती से अपनी सास को धक्का दे देती है और वो सर के बल गिरती है और मर जाती है। अब अगले दिन उसकी सास का फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल के बाद हस्बैंड मीटिंग के लिए निकल जाता है और ऐना और एंजेला अपने घर को लौट रही होती है कि तभी वो आदमी जो रात को ऐना के साथ इंटीमेट होता है ऐना को मिलता है और फिर ऐना से इंटीमेट होने की जिद करता है, जिस पर ऐना उसको इग्नोर करती है और एक झापड़ रसीद कर देती है। ये सब एंजेला देख लेती है और सारी बात समझ जाती है। एंजेला उस आदमी को घर तक ले आती है और इस वक्त ऐना सोई हुई होती है और वो दोनों जन इंटीमेट होने वाले होते हैं कि ऐना के हस्बैंड का फोन आ जाता है और वो पूछता है कि सब कुछ ठीक है, तो कहती है मैं ज्यादा सो गई थी इसलिए फोन उठाने पे लेट हो गया था। तभी वो आदमी जबरदस्ती ऐना को पकड़ के ऐना के साथ इंटीमेट हो जाता है और उसमें एंजेला भी इसकी मदद करती है। एंजेला ऐना को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम इसके साथ इंटीमेट नहीं होगी तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी कि तुमने तुम्हारी सास के साथ क्या किया था। ऐना के साथ इंटीमेट होने के बाद ये आदमी एंजेला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर एंजेला विरोध करते हुए ऐना को भी अपना बदला लेना था और वो एंजेला को पीछे से पकड़ लेती है और एंजेला को मजबूर करती है इंटीमेट होने के लिए। पर ऐना एंजेला से अपना बदला लेती है। अगले दिन ऐना एंजेला को नौकरी से निकाल देती है और कुछ दिन बाद ऐना प्रेग्नेंट हो जाती है। इस घटना पर उसका पति बहुत खुश होता है और यहीं पे ये उत्तेजित फिल्म एंड हो जाती है।